नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बोरेक्स दवाई के बारे में बात करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इसको लिया जाता है, कितनी प्रोटेंसी में लेनी चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बोरेक्स के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों में इसको दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर मुंह से संबंधित कुछ परेशानियों में, जैसे मुंह के छाले, माउथ अल्सर्स में दवाई खास तौर पर पेशेंट्स में दी जाती है। माउथ अल्सर्स हो गए हैं, वो चाहे जीभ पर हो या गालों के अंदर की साइड हो, जिसमें से आसानी से ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, और पेनफुल अल्सर्स होते हैं, यानी जो छाले होते हैं उनमें दर्द भी होता है और ब्लीडिंग भी उनमें से आसानी से हो जाती है, रेडनेस देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है मुंह के छालों के लिए। इसके अलावा इसे हम फंगल इन्फेक्शन में भी देते हैं। फंगस कैंडिडा के कारण पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को खाने में भी परेशानी आ रही है, निगलने में परेशानी आ रही है, यहाँ तक कि पानी पीने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में दवाई देने से पेशेंट का फंगल इन्फेक्शन भी मुंह का ठीक होता है। ओरल थ्रश में या माउथ अल्सर्स में इस दवाई को 30 CH से लेकर 200 CH और 1 m पोटेंसी में दिया जाता है। क्यू पावर में भी कुछ पेशेंट्स को ये दवाई दी जा सकती है, लेकिन इस दवाई के जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो 30 CH और 200 CH में मिलते हैं। डॉक्टर की निगरानी में ही इस दवाई का सेवन करें, हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा भी ये दवाई कुछ और परेशानियों में पेशेंट्स को दी जाती है, जैसे माइंड से संबंधित कुछ रोगों में या आँखों से संबंधित कुछ रोगों में। बात करें मानसिक रोगों की, पेशेंट को आवाज़ से परेशानी होती है, सडन नॉइज से पेशेंट को इरिटेशन होती है। इसके अलावा पेशेंट को फियर लगता है, जब वो स्टेयर्स से नीचे उतर रहा होता है तब उसको लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे फियर में और ऐसे परेशानियों में, ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई पेशेंट्स को मानसिक रोगों में दी जाती है। आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों में इन्फ्लामेशन आती है, या फिर पेशेंट को सुबह के समय आँखों में आईलेसिस की सामना करना पड़ता है जो ड्राई स्टिकी होती है, तो ऐसे केसेस में दवाई देने से इन सब परेशानियों में काफ़ी राहत मिलती है आँखों की। फीमेल्स में दी जाती है, फीमेल्स में वेजिनल डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या पेशेंट को मेंसेस बहुत जल्दी आते हैं, हैवी फ्लो देखने को मिलता है, ग्रीपिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, साथ में पेशेंट नोजियाटिक फील करता है, ऐसे केसेस में दवाई देने से पेशेंट को वेजिनल डिस्चार्ज में और मेंसेस में आई परेशानियों को ठीक करने में मददगार रहती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानियों में भी दी जा सकती है, जहां पेशेंट को डायरिया की शिकायत रहती है, लूज मोशन हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को पेन का सामना करना पड़ता है बिफोर स्टूल, जब स्टूल पास करता है उससे पहले पेट में दर्द होता है, वो पेशेंट को डायरिया लगा रहता है, तो ऐसे केसेस में दवाई दी जा सकती है। पेट की कुछ और परेशानियों की बात करें तो जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डायरिया लगता रहता है, तो उसमें भी राहत मिलती है, इसे हम दे सकते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में, जहाँ पेशेंट को पेशाब बार बार आता है, दर्द भी कई बार होता है, रात के समय खास तौर पर पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आता है, छोटे बच्चों में भी अगर पेशाब की परेशानी देखने को मिलती है, बार बार बच्चा पेशाब करता है, तो ये दवाई असरदार रहती है। ये दवाई कुछ स्किन डिसऑर्डर्स में भी दी जाती है, जैसे एक्जिमा हो गया हो या सोराइसिस हो गया हो या अल्सर्स हो गए हो स्किन पर। एक्जिमा केस में दवाई तब दी जाती है जब टॉयस या फिर फिंगर्स के नेल्स में पेशेंट को एक्जिमा हो गया है, जिसके कारण पेशेंट का नेल डैमेज हो गया है, तब ये दवाई असरदार रहती है। अल्सर्स अगर पेशेंट को फीट पर हो गए हैं, जूते घिसने की वजह से, जूतों की वजह से पेशेंट को पैरों में अगर अल्सर्स घाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, वो चाहे ओरल थ्रश की है या माउथ अल्सर्स की है, तो आपको डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़े। केस टेकिंग करने के बाद ही सही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, उनको कैसे लेना चाहिए, किस पोटेंसी में आपको दी जाएंगी। इसके लिए आप डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू।